वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और मौजूद साझा कराम। मैं आज के फिजिकल साइंस के तजर्बे में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मुझे फिजिकल तजर्बे के खुशामदीद में कुछ अशिया की जरूरत है और उन अशिया को मिलाकर जो इस एक्सपेरिमेंट का नाम बनता है वो है कि लोहे चून और रेत के जरात को मैं बाहर मैगनेट के जरिए लगा करना। मुझे जिन अशिया की जरूरत है उनको मैं आपके सामने जाहिर करूँगा और उनके नाम आपको बताऊँगा। मेरे पास एक चाइना डिश है, कुछ लोहे चून के जरात जो मैंने एक चाइना डिश में लादा किए हैं और कुछ रेत के जरात हैं जो मैंने लादा किए हैं। उसके बाद मेरे पास एक बार हैवी बार मैग्नेट है जिसके जरिए मैं इस तजर्बे को आपके सामने लाया मैं लाऊंगा। फिर मेरे पास एक स्टीरियर है जिसके जरिए मैं जरात को आपस में मिलाऊंगा। तो चलिए मैं अब तजर्बे का आगाज करता हूँ। पहले मैं कुछ रेत के जरात को एक सफ़े पर उंडेल लूँगा, फिर मैं कुछ लोहे चून के जरात को भी उंडेल लूँगा, काफ़ी थोड़ी सी मिकदार की जैसा आप चाहते हैं। फिर मैंने स्टीरियर के जरिए मिला दूँगा। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह मिल गए हैं कि मैं इनको अपने हाथ के जरिए अलहदा नहीं कर सकता। तो इसको अलहदा करने के लिए फिजिकल साइंस का एक तरीका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो तरीके के जरिए मैं इसको आपके सामने अलहदा करके दिखाऊंगा। बार मैग्नेट मुझे चाहिए होगा इनको अलहदा करने के लिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसके जरिए मैं आपके सामने लोहे चून के जरात को अलहदा कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने बार मैग्नेट रेत के ऊपर लगाया या इसके ऊपर फेरा, तो वैसे ही ये लोहे चून के जरात अलहदा होते गए। इसलिए मैं तमाम जरात को अलहदा कर दूंगा। तो मेरा आज का तजर्बा मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।